हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम बेसिकली ट्रैवल करने वाले हैं आलंदी डैम के यहाँ पे, जो कि मेरे घर से बेसिकली 25 किलोमीटर 20 किलोमीटर आता है एंड गंगापुर रोड के साइड में है। तो देखते हैं कहाँ पर है ये डैम का लोकेशन, अच्छा स्पॉट है, तो लेट्स एक्सप्लोर करते हैं। आप भी जा सकते हो, मैं बता दूंगा किस तरीके के रास्ते हैं एंड ऑल, वर्थ है ट्रैवलिंग या नहीं है वर्थ, तो इसको देखते हैं। बेसिकली अर्थन डैम है और अर्थन डैम के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं डैम के साइट पर पहुंच जाऊंगा। 1983 में डैम बना हुआ है, तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। हे गाइस, तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे रीच कर चुके हैं, जो आलंदी डैम के बारे में मैं आपको बता रहा था। देन मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि कहाँ से एंट्री गेट है। ये देखिए, गाड़ी आपको बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर प्रोहिबिटेड एरिया, प्रतिबंध क्षेत्र है, तो मतलब आप इसके आगे नहीं जा सकते हो। गाड़ी लाना अलाउड है बट यू कैन से बिकॉज ऑफ सर्टन कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाता है गाड़ी को लेके आना, बट आप पैदल ही इस रास्ते के थ्रू आ सकते हैं एंड फिर डैम को एंजॉय कर सकते हैं, डैम के सीनिक ब्यूटी को एंजॉय कर सकते हैं आप। सिर्फ आपको कच्चा रास्ता मिलेगा, नहीं तो बाकी के रास्ते काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर और ज़्यादा आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है नहीं है। सिर्फ इतना सजेस्ट करूँगा कि बारिश के टाइम में थोड़ा सा अवॉइड करिए क्योंकि रास्ते जो हैं काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के बने हुए हैं, मतलब एकदम से कच्चे रास्ते हैं, तो आपकी गाड़ियाँ फंस सकती है। गाड़ी स्लिप कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा ही चिखल था यहाँ पर, तो हमारी गाड़ियाँ स्लिप कर रही थी, तो आप भी अवॉइड करिए कि बरसात के मौसम में ना आए, नहीं तो बाकी का मौसम में आप आ सकते हो यहाँ पर। डैम की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो डैम जो है टोटल, अगर हाइट की बात करोगे तो ये 30 मीटर अगर नीचे से लेके बॉटम से लेके अगर मैं बात करूँ तो बॉटम से लेके ये 30 मीटर गहरा है एंड पूरी लेंथ की अगर आप बात करते हैं, अगर मैं पूरी लेंथ की बात करता हूँ तो पूरी लेंथ इसकी लगभग 1670-90 किलोमीटर मीटर का है, नॉट किलोमीटर सॉरी मीटर का है ये पूरा। एंड अगर इसकी टोटल कैपेसिटी की हम बात करें तो वो है आपकी 280,000 किलो क्यूबिक मीटर की है इसकी कैपेसिटी, मतलब अच्छा खासा पानी इसमें स्टोर हो सकता है। तो एक अच्छा डैम है, बहुत ही अच्छा डैम है एंड 1500 स्क्वायर किलोमीटर का इसका टोटल सरफेस एरिया है, तो डैम काफ़ी बड़ा है और अच्छा डैम है। मतलब यहाँ के गाँव को पानी के पीने का मतलब दिक्कत समस्या जो है वो आसानी से सॉल्व हो सकता है एंड मतलब नेचुरल ब्यूटी तो आप पूछें मत, नेचुरल ब्यूटी सीनिक ब्यूटी, अगर नेचर लवर हैं आप तो गजब का सीन है यहाँ पर, गजब का सीन है। और मौसम जिस तरीके का है यहाँ पर, मौसम जिस तरीके से बना हुआ है, बेहतरीन मौसम है। तो आइए ज़रूर विज़िट करिए इस एरिया को, एक्सप्लोर करिए नासिक के एक अनसीन ब्यूटी को और मज़े लीजिए ज़िंदगी के, लाइफ के। तो आलंदी डैम से लौटते टाइम अगर आपको यू कैन से फूड के शौकीन हो, मिसड़ के शौकीन हो, अगर मिसड़ आपको खाना है तो आप यू कैन से पेरुची वाड़ी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा स्पॉट है, मिसड़ भी अच्छी मिल जाती है यहाँ पर। टेस्ट लाइक टेस्ट ठीक ठाक है, मतलब ऐसा भी नहीं कहूँगा कि टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बेहतरीन है, अच्छा टेस्ट है, बट जो एम्बियंस है यहाँ का वो एम्बियंस काफ़ी अच्छा है। ये आपकी एंट्री गेट आपको दिखाई दे देगी, सामने गणपति बप्पा जी विराजमान है एंड इस तरीके की कुछ ब्यूटी आपको देखने को मिलेंगी चारों तरफ। ये आपका एंट्री गेट है सामने का एंड ये अंदर का पूरा एम्बियंस है, आप देख सकते हैं। तो अच्छा स्पॉट है, अगर आप फूड के शौकीन हैं, अगर फूड आपको अच्छा लगता है, मिसड़ के थोड़े से शौकीन ज़्यादा हैं आप, तो आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं कहूँगा कि बेस्ट टेस्ट है बस ठीक है, ठीक है, थैंक यू।